गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड स्वागत है आप सभी का वीकली वोकैब टेस्ट के अंदर। एंड आई होप सब जो हैं वो बिल्कुल तैयारी से आए होंगे, फुली प्रिपेयर्ड होकर के आए होंगे। जैसा मैं कल देख रहा था कि सर वोकैबलरी ही होगा, एंड वोकैबलरी के अंदर पिछले वाले वीक का भी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा कि किया जाएगा। दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया था कि हर वीक जो भी हम कवर करेंगे वोकैबलरी के अंदर, उसको ही हम जो है वो वीकेंड पे कवर टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। एक महा वोकैबलरी टेस्ट, वी कैन प्लान अबाउट इट लेटर ऑन, उसको हम बाद में प्लान कर लेंगे। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका जोश जज्बा एकदम पूरा वही बरकरार होगा। शुरू करने से पहले सबको मैं वार्मली वेलकम कर देता हूं, एंड आई विश यू गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बिल्कुल चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, फटाफट से थम्स अप बना के भेज दीजिए ताकि मेरे को इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ सब जो है वो तैयार है आज के वोकैब टेस्ट के लेकर। बिल्कुल दोस्तों सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सैटरडे मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होता है क्योंकि मैं मानता हूं कि जो मैंने पूरे वीक में मेहनत करी स्टूडेंट्स को कुछ नया देने की, उसको मैं इवैल्यूएट कर सकूं कि हाँ उसमें से स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, कितना उनको याद रह सका। टेस्ट के दिन कम आते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो घबराते हैं, टेस्ट देने से कतराते हैं वो लोग। जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूं कि टेस्ट से अपने को पीछे नहीं भागना है, टेस्ट इवैल्यूएशन लर्निंग का हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, जरूरी पहलू रहता है। कितना पढ़ा उसको जब तक हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा अपने को। इसलिए चलिए थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सब के सब जो हैं वो तैयार हैं। मैं शुरू करता हूं आज के हमारे पहले वर्ड की ओर। दोस्तों फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फर्स्ट वर्ड इज डेलीगेट। ऑप्शंस आर एम्बेसडर, नेटिव, डिस्चार्ज एंड मैनिफेस्टो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो एम्बेसडर, नेटिव, डिस्चार्ज एंड मैनिफेस्टो, इसके सारे ऑप्शंस हैं, एंड टाइम अप। दोस्तों ये वर्ड हमने किया था किसके अंदर, राजदूत के अंदर, लेजिट, लेजिटर, एम्बेसडर, वहां पर हमने इस वर्ड को, डेलीगेट इस वर्ड को हमने कवर किया था इसी वीक के अंदर। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सिनोनिम इसका एम्बेसडर, यानी कि राजदूत, जो किसी जगह पर किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को। सेकेंड ऑप्शन इसका नहीं होगा, काफी लोगों ने सेकेंड ऑप्शन दिया है इसका आंसर। नो माय डियर, मैं वापस से आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूंगा, ये वर्ड हमने राजदूत एम्बेसडर वाले के अंदर कवर किया था। बिल्कुल गलतियां हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करो, इससे अपने को मालूम चलेगा कि हाँ भाई हमने जो इस पूरे वीक के अंदर ऑनेस्टली पढ़ने की कोशिश की थी वो कितनी कामयाब हुई, हम कितना बातों में लगे रहे, हम कितना पर्सनल चैट्स करते रहे। इसलिए चलता हूं दोस्तों मैं आगे। नंबर टू, एप्पल ऑफ वंस आई। ऑप्शंस आर लेजिट, डियरली वन, इंडिजीन एंड प्रोटैगनिस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई रिपीट, द ऑप्शंस आर लेजिट, Dearly One, Indigene and Protagonist. And दोस्तों time up. ये हमने दोस्तों idioms and phrases के collection के अंदर हमने पढ़ा था इस week के अंदर, और इसका meaning क्या था, बहुत प्यारा, जो हमको बहुत ज्यादा प्यारा हो, बहुत ज्यादा dear हो, वहां हमने इसको पढ़ा था। बिल्कुल so इसका option, इसका answer कौन सा होगा, अति प्रिय, यानी कि डियरली वन इसका जो होगा राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर राइट है, बहुत कॉमन सा है ये, इसलिए एग्जैक्टली दोस्तों मार्क करते हुए चलिएगा कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। टुडे आई हैव समवॉट अराउंड 40 क्वेश्चंस, इसलिए तो आउट ऑफ 40 आपके कितने राइट हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं उनको भी अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। पूरा प्रॉपरली अगर उसको हम ट्रैक करेंगे तभी अपने को मालूम चलेगा। आंखों का तारा, बिल्कुल एग्जैक्टली। नंबर थ्री आपके सामने आ चुका है, द वर्ड इज इमैन्सिपेट। ऑप्शंस आर इन ए टाइट कॉर्नर, सेकंड ऑप्शन प्लैगियरिज्म एंड फ्लरिश, फोर्थ ऑप्शन लिबरेट। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन ए टाइट कॉर्नर, प्लैगियरिज्म, फ्लरिश एंड लिबरेट। दोस्तों तैयारी
आज के दिन ही मालूम चलती है। ओके सो दोस्तों टाइम अप, बाकी के जो पूछ रहे हैं मेरे से कि सर बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग भी बताए जाएं, दोस्तों ये सब तो फिर आपको पहले करके रखना चाहिए था। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं मैं अगर उनको भी करवाऊंगा मीनिंग्स तो फिर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर नहीं करा पाऊंगा, इसलिए आई ट्राई। फ्लरिश, उन्नति करना, प्रगति करना, लिबरेट, रिहा करना, मुक्त करना, इन ए टाइट कॉर्नर, मुश्किल में होना, संकटों से घिरा होना, ठीक है। एंड प्लाजियरिज्म हमने पढ़ा था, स्टीलिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ अदर राइटर्स। ओके सो इमेंसिपेट दोस्तों वर्ड का मीनिंग होता है लिबरेट करना, रिहा करना, रिलीज, डिस्चार्ज, ये वर्ड हमने इसके साथ में किए थे इस वीक के अंदर। सो द इसका राइट आंसर क्या होगा फिर, लिबरेट, आजाद करना, रिहा करना। यस, फोर्थ ऑप्शन सबका सही है, बिल्कुल। चलता हूं मैं नंबर फोर की ओर। नंबर फोर, अटैक्थनस। अटैक्थनस एंड ऑप्शंस आर एमिसरी, हीरो ऑफ ए स्टोरी, इंडिजीनस एंड थ्राइव। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस, एमिसरी, हीरो ऑफ ए स्टोरी, इंडिजीनस एंड थ्राइव। टाइम अप दोस्तों हो चुका है। एंड ऑटोक्थोनस दोस्तों जो वर्ड था हमने वो पढ़ा था देशी स्वदेशी वाले उसमें कलेक्शन के अंदर, सिनोनिम्स के अंदर, जहां पर हमने पढ़े थे नेटिव, इंडिजीन, इंडिजीनस, ऑलराइट, वहीं का वर्ड है ये। एमिसरी तो हमने पढ़ा था, थ्राइव हमने जस्ट अभी देखा था, फ्लोरिश, थ्राइव इसके सिनोनिम्स थे। एग्जैक्टली ऑटोक्थोनस का राइट आंसर जो है वो इंडिजीनस है। हिंदी मीनिंग इसका क्या था, हिंदी मीनिंग इस वर्ड का था देशी या फिर स्वदेशी। बिल्कुल सबका आंसर राइट है, बहुत कॉमन सा वर्ड है एक्चुअली में ये, इसलिए फोर्थ का सी ऑप्शन। एग्जैक्टली माय डियर, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर फाइव आपके सामने है, एप्पल पाई ऑर्डर। ऑप्शंस हमारे सामने है, एक्सोनरेट, गुड कंडीशन, लिजेटर एंड रिलीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सोनरेट, गुड कंडीशन, अच्छी अवस्था में होना, अच्छी हालत में होना, लिजेटर, रिलीज। लिजेटर हमने पढ़ा था एम्बेसडर वाले ऑप्शन के अंदर। टाइम अप। नंबर फाइव दोस्तों, एप्पल पाई ऑर्डर, ये हमने दोस्तों पढ़ा था इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले कॉलम के अंदर, जहां पर हमने वहां कलेक्शन बनाया था उसका। एप्पल पाई ऑर्डर का जो पूरा लाइन मैंने लिखवाई थी वो थी इन ए गुड कंडीशन, इन ए गुड स्टेट, अच्छी अवस्था में होना। इसका आंसर तो आपके सामने है, यानी कि बिल्कुल एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल पाई ऑर्डर, ये दोनों हमने कवर किए थे इस वीक के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रिलीज जो है वो रिहा करना, एक्सोनरेट का मतलब भी रिहा करना था, लिजेटर का मतलब तो था राजदूत, जो इनके तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि मेरा थंबनेल था आज का बना हुआ, फास्ट ट्रैक वीकली वो कैप टेस्ट, फटाफट से जो है हम देखते हुए चलेंगे। एबोरिजिनल फर्स्ट ऑप्शन, डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट कॉर्नर, डियरली वन, नेटिव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट कॉर्नर, डियरली वन एंड नेटिव। टाइम अप दोस्तों, पहला तो था डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल घड़ी में होना, मुश्किल स्थिति में होना, सिचुएशन में होना। टाइट कॉर्नर सेम वही चीज थी, डियरली वन अति प्रिय, एंड नेटिव देशी या फिर स्वदेशी। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही है। ओरिजिनल, एब ओरिजिनल, नेटिव, इंडिजीन, इंडिजिनस, सारे वर्ड्स हमने कवर किए थे देशी या फिर स्वदेशी के अंदर। ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, काफी लोग इसका फर्स्ट ऑप्शन टिक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एब ओरिजिनल सिनोनिम होता है नेटिव का, इसका मीनिंग होता है देशी या फिर स्वदेशी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉसिबल ही नहीं है इसके आंसर्स। ओके दोस्तों, शायद हमने ये वर्ड, मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर, हमने ये वर्ड मंडे को कवर किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, हम चलते हैं अगले की ओर। मैनिफेस्टो, ऑप्शंस आर प्रॉस्पर, डिस्प्यूट, प्लान्स एंड प्रोमिसेस एंड एनवॉय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रॉस्पर, डिस्प्यूट, प्लान्स एंड प्रोमिसेस, फोर्थ ऑप्शन एनवॉय। कतराते हैं काफी लोग वोकैबुलरी के टेस्ट को, टेस्ट देने से, ऐसा नहीं करना है अपने को दोस्तों। एज अ टीचर मेरी आपको वही एडवाइस होगी,
जितना डर के भागोगे उतनी वही चीज आपकी बड़ी कमजोरी बनती जाएगी। इसलिए सो टाइम अप दोस्तों, मैनिफेस्टो का जो हमने कवर किया था वह था घोषणा पत्र, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल जो है वो चुनाव से पहले देता है कि भाई उसकी योजनाएं क्या क्या हैं, वो क्या क्या वादे करता है और चुनाव में जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेगा, उन सभी का जो है वो लेखा जोखा वो देता है मैनिफेस्टो के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों फिर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, प्लान्स एंड प्रोमिसेस। जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी की योजनाएं होंगी, जो भी उसके प्लान्स होंगे पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, उसको वो कैसे करेगा, उन सब के ही बारे में। बिल्कुल घोषणा पत्र इसका एग्जैक्ट वर्ड हमने कवर किया था इस वीक के अंदर। हम मूव करते हैं दोस्तों नंबर 8 की ओर, बिल्कुल मजा आना चाहिए, चलते हैं आगे नंबर 8 की ओर। सो नंबर 8 इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ऑप्शंस आर पॉलिटिकल पार्टी, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, फ्लरिश एंड लिबरेट। आई रिपीट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई रिपीट, पॉलिटिकल पार्टी, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, फ्लरिश एंड लिबरेट, चारों इसके ऑप्शन हैं। टाइम अप दोस्तों, ये भी हमने दोस्तों डिस्कस किया था जब हमने तीनों किए थे, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड एप्पल ऑफ वंस आई। वहां पर हमने इसको कवर किया था, जहां पर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हमने कवर किया था झगड़े की जड़, विवाद का मुद्दा। बिल्कुल एट ऑप्शन, एट क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन ही उसका राइट आंसर है, हिंदी मीनिंग उसका विवाद का मुद्दा या फिर झगड़े की जड़, जो हमने इंग्लिश में लिखा था मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट वर्ड का दोस्तों मीनिंग ही क्या होता है, उसका मीनिंग ही होता है विवाद। इसलिए राइट आंसर इसका ये लिबरेट हमने किया था, रिहा करना, मुक्त करना, आजाद करने के सेंस में। फ्लरिश उन्नति करना, प्रगति करना, एग्जैक्टली विवाद का मुद्दा। यस, चलता हूं मैं नंबर 9 की ओर। द मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी। ऑप्शंस इंडिजीन, डेलीगेट, प्रोटैगनिस्ट, थ्राइव, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई रिपीट, द ऑप्शंस आर इंडिजीन, डेलीगेट, प्रोटैगनिस्ट एंड थ्राइव। काउंटडाउन में मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको सारे ऑप्शंस मिल जाए आराम से। किसी भी कहानी का मुख्य पात्र, लाइन का मीनिंग यह है, किसी भी कहानी का, किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। यस दोस्तों, ये हमने कवर किया था वन वर्ड्स के कलेक्शन के अंदर। काफी लोग ए ऑप्शन बोल रहे हैं, ए ऑप्शन तो इसका पॉसिबल ही नहीं होगा। राइट ऑप्शन यस, नाइन्थ का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। किसी भी कहानी का मुख्य पात्र, उसका वन वर्ड बनता है प्रोटैगनिस्ट, जो हमने इस वीक में कवर किया था और मैंने हिंदी में लिखवाया था, किसी भी कहानी का मुख्य पात्र अर्थात नायक, जिसके इर्द गिर्द ही जो है वो पूरी कहानी घूमती हो। बिल्कुल राइट वर्ड इसका हिंदी में नायक होगा, मुख्य पात्र, जिसके आसपास ही पूरी कहानी, पूरी नॉवल, जो भी लिटरेरी वर्क है वो है उसके। इंडिजीन, देशी स्वदेशी, डेलीगेट, राजदूत, थ्राइव, उन्नति करना, प्रगति करना। हम चलते हैं दोस्तों आगे नंबर 10 की ओर, टू स्पिल द बीन्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं एक्ज्यूबरेट, ओरिजिनल एंड एप्पल ऑफ वंस आई, रिवील। पूरा लाइन दिया है स्पिल द बीन्स। टाइम अप दोस्तों, ऑप्शंस एक्ज्यूबरेट, ओरिजिनल, एप्पल ऑफ वंस आई एंड रिवील। वॉल्यूम कम आ रही है दोस्तों, यहां से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वॉल्यूम को लेकर के। एक बार अपना पेज जो है वो रिफ्रेश करिए आराम से, कोई इशू नहीं है वॉल्यूम का आज यहां पर। सो दोस्तों लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, टू द 10th क्वेश्चन, टू स्पिल द बीन्स। एक्ज्यूबरेट, ओरिजिनल, एप्पल ऑफ वंस आई एंड रिवील। दोस्तों ये वर्ड हमने किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर। काफी लोगों ने जो है वो सेकेंड ऑप्शन बता रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा। 10th क्वेश्चन का जो होगा हिंदी मीनिंग था भेद खोलना, कोई भी गुप्त जानकारी को उजागर करना, जो हमने किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर, और वहां पर मैंने आपको लाइन लिखवाई थी टू रिवील ए सीक्रेट इंफॉर्मेशन।
ऑलराइट, कोई भी गुप्त जानकारी को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, उसको उजागर करना, भेद खोलना, राज खोलना विल बी द राइट आंसर, राइट मीनिंग इन हिंदी. बिल्कुल. तो इसका दोस्तों टेंथ वाले का फिर ऑप्शन कौन सा बना? रिवील. अब रिवील सिर्फ कॉम्पैक्ट कर दिया ऑप्शन को. पूरा तो क्या था? पूरा था रिवील ए सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई भी गुप्त जानकारी को रिवील करना. रिवील का दोस्तों मतलब क्या होता है? उजागर करना. ओके, हम चलते हैं अगले वाले वर्ड की ओर. सो आपके स्क्रीन पे एक्ज्यूबरेट, एक्ज्यूबरेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दोस्तों ये वर्ड भी हमने जो कवर किया था इसी वीक में, ऑप्शंस आर प्रॉस्पर, डेलीगेट, टाइट कॉर्नर एंड एक्सोनरेट. टाइम अप दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने है, प्रॉस्पर, डेलीगेट, टाइट कॉर्नर एंड एक्सोनरेट. इसी वीक में हमने कवर किया था फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग, उन्नति करना, प्रगति करना. सेकेंड ऑप्शन डेलीगेट, राजदूत, एम्बेसडर, लिगेटर. थर्ड ऑप्शन टाइट कॉर्नर, मुश्किलों से घिरा हुआ होना. एक्सोनरेट हमने पढ़ा था रिलीज, डिस्चार्ज के अंदर. तो इसका फिर एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा होगा दोस्तों? एक्सुबरेट हमने कवर किया था उन्नति करना, प्रगति करने वाले के अंदर ही. प्रॉस्पर, फ्लरिश, थ्राइव, इसके जो थे वो सिनोनिम्स हमने कवर किए थे. सो उसके अकॉर्डिंग यस एग्जैक्टली 11th का उन्नति करना, प्रगति करना, आगे और आगे बढ़ना, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होगा. चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले की ओर. गार्गांचुआन अच्छा वर्ड था, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स लिखवाए थे. ऑप्शंस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कमांडमेंट, जायंट, गिमिक एंड मैट्रिसाइड. आई रिपीट द ऑप्शंस, कमांडमेंट, जायंट, गिमिक एंड मैट्रिसाइड. टाइम अप दोस्तों. गार्गांचुआन, गार्गांचुआन आज सॉरी इस वीक में हमने कवर किया था. एंड वो कहां दोस्तों कवर किया था हमने? वो हमने कवर किया था विशाल, ह्यूज, जायंट, इनॉर्मस, मैमथ, स्टूपेंडस. यस, 12 का सभी ने सही आंसर दिया है. इक्का दुक्का जो है जिनको कंफ्यूजन रहा है, बिल्कुल विशाल वाले कॉलम उसमें हमने इस वर्ड को कवर किया था. जायंट, जाइगेंटिक, ह्यूज, कोलोसल, मैमथ, इनॉर्मस, स्टूपेंडस, इसके सिनोनिम्स बनते हैं. एग्जैक्टली दोस्तों सबका आंसर राइट है. कमांडमेंट जो मेरा पहला है वो तो हो गया आज्ञा या फिर आदेश. जिमिक हमने किया था वन वर्ड्स के अंदर, बिजनेस के लिए, अटेंशन पाने के लिए कोई भी अपनाया गया पैंतरा. मैट्रिसाइड हमने कवर किया था वन वर्ड्स के अंदर, हमने कवर किया था उसको, और मैट्रिसाइड का मतलब था किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या. बिल्कुल सबका आंसर राइट है. 12th का सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, राइट ऑप्शन. हम चलते हैं आगे 13th की ओर. कमांडमेंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शंस आर अट्रैक्शन, ह्यूज, ऑर्डर एंड सुइसाइड. आई रिपीट द ऑप्शंस, अट्रैक्शन, ह्यूज, ऑर्डर एंड सुइसाइड. अरे शांति रखो, एंटोनियम भी आएगा. अगर इस वीक में शुरू करवाया है तो उस पर भी क्वेश्चन आएगा. चलते हैं दोस्तों टाइम अप. कमांडमेंट दोस्तों ये वर्ड हमने किया था आदेश वाले के अंदर. ऑर्डर, कमांड, कमांडमेंट और बिहेस्ट, हमने इसके सारे वर्ड्स कवर किए थे. अट्रैक्शन आकर्षण, ह्यूज विशाल का ही हिंदी मीनिंग सॉरी इंग्लिश वर्ड, सुइसाइड किलिंग ऑफ वन सेल्फ, तीनों पॉसिबल नहीं. 13th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर बनता है. बिल्कुल दोस्तों बिहेस्ट, कमांड, कमांडमेंट, हमने सारे वर्ड इसके किए थे. ऑर्डर एग्जैक्टली. मूव करता हूं मैं नंबर 14 की ओर. वर्ड इज ह्यूमोंगस, ह्यूमोंगस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अटेंशन, सोरोरीसाइड, मैमथ एंड कमांड, इसके चारों ऑप्शंस अपने सामने हैं. अटेंशन, सोरोरीसाइड, मैमथ एंड कमांड. ह्यूमोंगस दोस्तों टाइम अप. ये वर्ड भी हमने किया था विशाल वाले ही कलेक्शन में, जहां पर जायंट, जाइगेंटिक, ह्यूज, कोलोसल, मैमथ, स्टूपेंडस, वास्ट,
enormous, सारे इसके synonyms थे. तो राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14 विल बी सेकेंड, सॉरी थर्ड ऑप्शन, मैमथ. अटेंशन तो हो गया, ध्यान. सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, बहन की हत्या के अंदर हमने ये वर्ड पढ़ा था सोरोरिसाइड. कमांड हमने पढ़ा था आदेश या फिर आज्ञा के सेंस में. फर्स्ट ऑप्शन इसका पॉसिबल आंसर नहीं है दोस्तों. 14th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा. मीनिंग विशाल, बड़ा. ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से सबको मजा आ रहा होगा. फटाफट से जो थंबनेल था हमारा फास्ट ट्रैक वीकली वोकैब टेस्ट, वही हम उस थीम पर ही काम कर रहे हैं. एक सेकंड, मैंने शायद राइट आंसर टिक नहीं किया है. Humongous, क्योंकि काफी लोग जो है वो इस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बाद में क्लास को देखते हैं इसलिए, और वो पीडीएफ भी वहां से वो गेन कर लेते हैं. चलते हैं 15. द वर्ड इज बिहेस्ट. बिहेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शंस आर कमांडमेंट, होमिसाइड, जीनोसाइड एंड प्लाजियरिज्म. कमांडमेंट, होमिसाइड, जिनोसाइड एंड प्लाजियरिज्म. 15th क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फटाफट से जो है वो लिखते हुए, सॉरी अटेंड करते हुए चलिए क्वेश्चंस को. हिंदी मीनिंग, आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर टाइम मिल सकता है मेरे को, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको, अगर मैं चारों ऑप्शंस के बताने बैठूंगा सारे के सारे, तो फिर शायद हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को लाइव टेस्ट के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों. इट्स बेटर कि आप जो है वो टेलीग्राम ऐप से इनका पीडीएफ जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं. चलते हैं दोस्तों हम 15th की ओर. टाइम अप हो चुका है. एंड 15th वर्ड दोस्तों इसका वर्ड था आदेश, आज्ञा. सो पूरे के अकॉर्डिंग जो है वो चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 15th का फर्स्ट ऑप्शन ही जो है राइट आंसर माना जाएगा. होमिसाइड हमने पढ़ा था, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव हत्या के अंदर पढ़ा था. जीनोसाइड हमने पढ़ा था, नरसंहार, किसी समूह की हत्या, पूरी जाति का ही सर्वनाश कर देना, वो हमने पढ़ा था जीनोसाइड के अंदर. प्लाजियरिज्म हमने पढ़ा था, किसी साहित्यिक रचना की चोरी करना, उसके कॉन्सेप्ट को चोरी करना, उसके आइडियाज को चोरी करना, स्टीलिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स को हमने पढ़ा था प्लाजियरिज्म के अंदर, वन वर्ड के अंदर. बिल्कुल विहेस्ट फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है. मीनिंग इसका आदेश या ऑर्डर, कमांड. मूव करते हैं दोस्तों हम अगले की ओर. 16. द वर्ड इज सुपर सेशन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो दोस्तों द ऑप्शंस आर, ऑप्शन आपके सामने है, हरक्यूलियन, जिमिक, फीटिसाइड एंड इंक्रोचमेंट. टाइम अप दोस्तों, आई रिपीट, द ऑप्शंस आर हरक्यूलियन, जिमिक, फीटिसाइड एंड इंक्रोचमेंट. सुपर सेशन, टाइम अप दोस्तों. 16 तक पहुंच चुका हूं मैं, शायद से आप लोगों को रिसीव लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, आना शुरू हो चुके हैं आंसर्स. सुपर सेशन दोस्तों हमने पढ़ा था इस वीक के अंदर, कहां पर, अतिक्रमण के सेंस में. यस, 16 का सबने राइट आंसर दिया है. सुपर सेशन का हिंदी मीनिंग होता है अतिक्रमण, एंड अतिक्रमण के मीनिंग के अकॉर्डिंगली इसका राइट ऑप्शन कौन सा बना फिर. राइट ऑप्शन इसका बनेगा इंक्रोचमेंट. यस, फर्स्ट हरक्यूलियन भी हमने कवर किया था, ह्यूज, जायंट, स्टूपेंडस, विशाल वाले सेंस के अंदर. एंड गिमिक हमने कवर किया था, वो पैतरा अपनाना पब्लिसिटी के लिए, बिजनेस के लिए. फोर्थ था फीटिसाइड, फीटिसाइड हमने कवर किया था, वन वर्ड्स के अंदर कवर किया था वहां पर, किलिंग ऑफ फीटस इन द वोम, यानी गर्भ में ही जो है वो भ्रूण की हत्या, वहां पर हमने ये थर्ड ऑप्शन का वर्ड कवर किया था. हिंदी मीनिंग था थर्ड ऑप्शन का भ्रूण हत्या. 16, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, एंड इसका मीनिंग क्या बनेगा, अतिक्रमण. एग्जैक्टली, इट्स ए नाउन, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आ चुका है इसलिए. मूव करते दोस्तों हम लोग अब 17 की ओर. द क्वेश्चन इज हार्ट टू हार्ट टॉक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हार्ट टू हार्ट टॉक, फर्स्ट ऑप्शन सुइसाइड, रेजिसाइड, फ्रैंक टॉक एंड ओनोरेरी. दोस्तों ये वर्ड हमने कवर किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस के कॉलम के अंदर. हार्ट टू हार्ट टॉक, सुइसाइड, रेजिसाइड, फ्रैंक टॉक एंड ओनोरेरी.
इन्फेंटिसाइड तो हो जाएगा शिशु हत्या, वो पॉसिबल नहीं होगा। इन्फेंट में और फीटस में फर्क होता है मेरे भाई। चलते हैं हम 17 के ऊपर, 17 के आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ये हमने कवर किया था idioms and phrases के अंदर, जिसके अंदर हमने जाना था कि भाई हार्ट टू हार्ट टॉक जो है वो एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है खुलकर बात करना, एकदम आराम से अपने मन की बातों को शेयर करना, जिस जो उसके अकॉर्डिंगली फिर फ्रैंक टॉक ही इसका राइट आंसर बनेगा। सुइसाइड सबको मालूम है, रेजिसाइड हमने कवर किया था, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ ए किंग। ऑनररी का हमने कवर किया था, वन वर्ड्स के अंदर ही ऑनररी का मीनिंग था ए रैंक और पोस्ट फॉर विच नो मनी नो रेम्यूनरेशन इज गिवन, ऐसा कोई पद जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता है, जिसको हमने कवर किया था ऑनररी के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, बिल्कुल अवैतनिक पद, वहां हमने कवर किया था ऑनररी को। चलते हैं आगे 18 की ओर, व्हील एंड वो, 18th व्हील एंड वो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, खुलकर बात करना, एग्जैक्टली। चलते हैं दोस्तों 18 की ओर, व्हील एंड वो, ऑप्शंस आर जिनॉर्मस, पब्लिसिटी, यूक्सोरी साइड, अप्स एंड डाउन्स। दोस्तों अब उस वर्ड पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, फीटस से बनता है फीटीसाइड एंड इन्फेंट से बनता है इन्फेंटीसाइड, इसलिए पीछे नहीं अपने को आगे देखते हुए चलना है। व्हील एंड वो, जिनॉर्मस, पब्लिसिटी, यूक्सोरी साइड एंड अप्स एंड डाउन्स। दोस्तों 18th का भी हमने कवर किया था idioms एंड phrases के अंदर, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी शायद से मैंने वहां पर लिखवाया था, सुख दुख में इसका जो हिंदी मीनिंग था वो था, अच्छे बुरे समय में, एग्जैक्टली सबने जो है वो आंसर इसका राइट दिया है 18th ऑप्शन का, अप्स एंड डाउन्स विल बी द राइट आंसर, उतार चढ़ाव सुख दुख में, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। यस, जिनॉर्मस हमने कवर किया था इनॉर्मस के अंदर ही, ह्यूज वाले के अंदर ही, पब्लिसिटी लोकप्रियता, यूक्सोरी साइड हमने किया था किलिंग ऑफ वंस वाइफ के अंदर, वन वर्ड्स के अंदर, पत्नी की हत्या के अंदर हमने पढ़ा था इस वर्ड को यूक्सोरी साइड। यस 18th का व्हील एंड वो मीनिंग इज अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, बिल्कुल। दोस्तों चलते हैं हम आगे नंबर 19 की ओर, ग्रीन थंब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रीन थंब, ऑप्शंस आर मैनिफेस्टो, बिहेस्ट, इंटरेस्ट इन पेंटिंग, इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ऑप्शंस मैनिफेस्टो, बिहेस्ट, इंटरेस्ट इन पेंटिंग, पेंटिंग में रुचि होना, इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, बागवानी में रुचि होना, नंबर 19। तो दोस्तों ग्रीन थंब हमने कवर किया था idioms एंड phrases के कॉलम के अंदर, और वहां पर उसका मीनिंग था बागवानी में पौधे वगैरह उगाने में रुचि होना। तो 19th का सारे ऑप्शंस को देखते हुए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मैंने चकमा देने की कोशिश की और आप काफी लोग जो हैं आप में से वो सी ऑप्शन के अंदर फंस के रह गए। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गार्डनिंग में पेड़ पौधे उगाने में रुचि होना, इंटरेस्ट होना, नेचुरल इंटरेस्ट इन ग्रोइंग प्लांट्स, ये शायद लाइन लिखवाई थी आपको मैंने, नेचुरल इंटरेस्ट इन ग्रोइंग प्लांट्स, यस ये लिखवाया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वही इसका राइट होगा। बिहेस्ट हमने किया था आदेश के अर्थ में, मैनिफेस्टो हमने कवर किया था घोषणा पत्र के अर्थ में, यस फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट की ओर, एप्पलिंग, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डेनारियन, ब्रेकडाउन, ल्यूरिड एंड वेलर। ऑप्शंस आर डेनारियन, ब्रेकडाउन, ल्यूरिड
चलते हैं आगे, एंड वेलर। एक व्यूअर ने बोला है कि ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट्स, तो वहीं से उसका ट्रिक बना लो कि ग्रीन थंब मतलब ग्रीन प्लांट। अच्छा है तरीका याद रखने का, बिल्कुल इट्स नाइस। चलते हैं हम 20th की ओर दोस्तों। एपलिंग वर्ड हमने कवर किया था, शॉकिंग, ल्यूरिड वाले के अंदर, चौंकाने वाला, बिल्कुल सबके आंसर मिलना शुरू हो चुके हैं। इसका राइट आंसर ल्यूरिड ही बनेगा, एपलिंग, ल्यूरिड, चौंकाने वाला। डेनारियन हमने दोस्तों वर्ड कवर किया था वन वर्ड्स के अंदर, जहां पर इसका मीनिंग था ए पर्सन फ्रॉम 10 to 9 वाली एज के अंदर। ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन हमने कवर किया था फ्रेज के अंदर, इसका मीनिंग था टू वीप या क्राई बिटरली, फूट फूट कर रोना, आंसू बहाना जोर जोर से, वहां हमने इसको कवर किया था। वैलर हमने कवर किया था ब्रेवरी के अंदर, यानी बहादुरी के अंदर, बिल्कुल ये वर्ड हमने कवर किया था शॉकिंग वाले के अंदर, एग्जैक्टली। ग्रूसम, शॉकिंग, ऑफुल, ल्यूरिड, एपलिंग, बिल्कुल लाइक तो बनता है। हम मूव करते हैं आगे 21 की ओर, शिवलरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर दोस्तों गैलेंट्री, ग्रेटिफिकेशन, क्वाड्राजिनेरियन एंड शॉकिंग। आई रिपीट, द ऑप्शंस आर गैलेंट्री, ग्रेटिफिकेशन, क्वाड्राजिनेरियन एंड शॉकिंग। दोस्तों शिवलरी हमने जो वर्ड कवर किया था वो था ब्रेवरी के अंदर में ही, बहादुरी, वीरता उस सेंस में। सो उसके देखते हुए, बहादुरी वीरता को देखते हुए, उसका मीनिंग जानते हुए, चारों में से जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वही उसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि गैलेंट्री वर्ड जो है वो गैलेंट्री वर्ड बना है गैलेंट से। गैलेंट का मतलब क्या था दोस्तों? बहादुर, ब्रेव, तो वहीं से बना गैलेंट्री, मीनिंग बहादुरी, वीरता। बिल्कुल इसका सही आंसर 21st का फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। ग्रेटिफिकेशन हमने दोस्तों किया था टिटिलेशन, संतुष्टि, प्रसन्नता, उसके अंदर सेटिएशन, टिटिलेशन, ग्रेटिफिकेशन। थर्ड क्वाड्राजिनेरियन हम दोस्तों कवर किया था 40 to 49, जिसके अंदर चार का आता है। फोर्थ शॉकिंग, शॉकिंग दोस्तों हमने कवर किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, चौंकाने वाला, ग्रूसम, ल्यूरिड वाले के अंदर। यस, 21st फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आगे, बिल्कुल काफी सारे नए व्यूवर्स भी जुड़े हैं मेरे ख्याल से आज, जो काफी समय से लापता थे। चलते हैं दोस्तों आगे, टिटिलेशन, फर्स्ट ऑप्शन ऑफुल, सेकेंड ऑप्शन वेलियंस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्ड ऑप्शन वेसेनेरियन एंड फोर्थ ऑप्शन डिलेक्टेशन। आई रिपीट द ऑप्शंस, क्वेश्चन है टिटिलेशन का सिनोनिम, उसका मीनिंग, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका है ऑफुल, सेकेंड वेलियंस, थर्ड वाइसिनेरियन एंड डिलेक्टेशन। एग्जैक्टली दोस्तों 22 का होगा प्रसन्नता, खुशी, संतुष्टि, तो उसके हिसाब से 22 का फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। डिलेक्टेशन, टिटिलेशन हमने दोनों कवर किए थे, सेटिएशन हमने कवर किया था जहां पर हिंदी मीनिंग था प्रसन्नता, ऑफुल हमने कवर किया था शॉकिंग वाले के अंदर, चौंकाने वाला, वेलियंस हमने कवर किया था ब्रेवरी के अंदर यानी कि बहादुरी, वीरता, वैसेनेरियन हमने कवर किया था ए पर्सन फ्रॉम 20 to 29, बिल्कुल 22 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल नाउन है ये, एग्जैक्टली, काफी लोगों को बताई हुई बातें अभी तक याद है, दैट्स वेरी नाइस, कि वर्ड के अंदर लास्ट में TION आ रहा है तो भैया वो नाउन है, वेरी नाइस। 23 की ओर मूव करते हैं दोस्तों, गेट डाउन टू बिजनेस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गेट डाउन टू बिजनेस, ऑप्शंस आर ब्रेवरी, स्टार्ट वर्किंग, सेंटिनेरियन एंड ग्रूसम। ब्रेवरी, स्टार्ट वर्किंग, सेंटिनेरियन एंड ग्रूसम।
कुछ जो है वो इसका आंसर दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन, बट दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ये लिखवाया था आपको मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले कॉलम के अंदर। ओके, गेट डाउन टू बिजनेस का इडियम का मीनिंग था काम शुरू करना, जिसको मैंने शॉर्ट में दिया स्टार्ट वर्किंग। सेकेंड ऑप्शन ही दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। एग्जैक्टली, टू स्टार्ट वर्किंग या फिर टू स्टार्ट द वर्क या फिर स्टार्ट वर्किंग, काम शुरू करना। बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मतलब क्या निकला कि बातें बहुत हो गई भाई, फटाफट से जो है वो हम काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन, ब्रेवरी कॉमन सा वर्ड सबको मालूम है। सेंटिनेरियन हमने वर्ड पढ़ा था, पर्सन ऑफ 100 और मोर देन 100 ईयर्स ऑफ एज। सेंटिनेरियन जिसकी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 100 या 100 से ऊपर की हो। चलते हैं आगे, ग्रूसम हमने पढ़ा था शॉकिंग वाले के अंदर। यस, टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। 24, टीथिंग प्रॉब्लम्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टीथिंग प्रॉब्लम्स ऑप्शंस आर इनिशियल डिफिकल्टीज, प्रोवेस, ट्राइसिनेरियन एंड टाइम एंड अगेन। ऑप्शंस आर इनिशियल डिफिकल्टीज, प्रोवेस, ट्राइसिनेरियन एंड टाइम एंड अगेन। दोस्तों राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा इनिशियल डिफिकल्टीज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो अपने को दिया हुआ है वही इसका राइट आंसर होगा। 24th का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। मीनिंग क्या था इसका दोस्तों, किसी भी काम को करने में जो शुरुआती दौर में आने वाली परेशानियां उसको कहते हैं हम टीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि ये हमने कवर किया था फ्रेजेस के अंदर। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके जो स्टार्टिंग लेवल होता है, जो उसका इनिशियल फेज होता है, उस दौरान जो हमको परेशानियां फेस होती हैं, उस समय जो हम अपनी परेशानियां फेस करते हैं जिन समस्याओं का, उसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। यस, शुरुआती समस्याएं कोई भी काम करने में, इनिशियल डिफिकल्टीज, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, इनिशियल डिफिकल्टीज राइट आंसर। बाकी तो हमने कवर करे हुए हैं प्रोवेस, बहादुरी के अंदर। टाइम एंड अगेन भी जो मैंने करवाया था वो हमने करा था फ्रेजेस के अंदर। टाइम एंड अगेन का दोस्तों मीनिंग क्या लिखवाया था, अगेन एंड अगेन, क्या निकला मीनिंग उसका, बार बार। बिल्कुल, चलते हैं दोस्तों अगले की ओर, 25 की ओर बढ़ता हूं मैं। वर्ड इज स्प्लर्ज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर इंट्रेपिडिटी, ब्रैग, नोनाजिनेरियन एंड फोर्थ ऑप्शन क्विंक्वाजिनेरियन। अरे बंधु गुड मॉर्निंग, हमारी 8 बजे हो चुकी है। स्प्लर्ज ऑप्शंस आर इंट्रेपिडिटी, ब्रैग, नोनाजिनेरियन एंड क्विंक्वाजिनेरियन। दोस्तों हम 25 की ओर बढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से काफी लोग जो है अभी भी वो 24 तक ही अटके हुए हैं। यस, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। स्प्लर्ज, यस हमने ये वर्ड किया था ब्रैग के अंदर, राइट है सबका आंसर। मैं वही थोड़ा सा वेट करके देख रहा था कि इस वाले वर्ड का जो है कितने एवरेज के रूप में कितने आंसर्स राइट देते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल, हमने दोस्तों ये वर्ड किया था ब्रैग, बोस्ट, स्प्लर्ज के अंदर। मीनिंग क्या था दोस्तों इसका, डींगे मारना, शेखी बखारना, वहां पर हमने इस वर्ड को कवर किया था। इंट्रेपिडिटी हमने ब्रेवरी वाले में कवर किया था, कावर्ड, ब्रेवरी, एंटोनिम, सिनोनिम, उस वाले केस के अंदर। नोनाजिनेरियन हमने कवर किया था, पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 90 to 99, नोना 9, सिंपल तरीका। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। क्विंक्वा हमने कवर किया था 5 वाले आंकड़े का, मतलब कि 50 to 59, वहां पर मैंने आपको दो वर्ड्स लिखवाए थे, क्विंक्वाजिनेरियन एंड क्विंटाजिनेरियन। चलते हैं आगे, इसका आंसर ब्रैग। मूव करते दोस्तों आगे 26 की ओर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द ऑप्शंस आर रियलिटी, इनिशिएशन, टाइम एंड अगेन एंड मिसोगेमिस्ट।
ऑप्शंस आर रियलिटी, इनिशिएशन, टाइम एंड अगेन, एंड फोर्थ इज मिसोगैमिस्ट। दोस्तों ये हमने वर्ड किया था सच्चाई, वास्तविकता उस वाले सेंस के अंदर। तो फिर इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या दोस्तों निकलेगा? रियलिटी। इनिशिएशन हमने कवर किया था, पहल, शुरुआत उस सेंस में। टाइम एंड अगेन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया बार बार। मिसोगैमिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैरिजेस, व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है। बिल्कुल 26 का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है, ऑप्शन रियलिटी। द मीनिंग वॉज सच्चाई या फिर वास्तविकता। मूव करते हैं हम अगले की ओर, 27 की ओर। द वर्ड इज रेफ्यूट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर डिस्प्रूव, रियलिटी, डिसेंट एंड मिसोनिज्म। आई रिपीट, द ऑप्शंस आर डिस्प्रूव, रियलिटी, डिसेंट एंड मिसोनिज्म। टाइम अप दोस्तों। 27th का जो वर्ड है ये हमने कवर किया था, खंडन करना, नकारना किसी बात को, डिनाई वाले केस के अंदर हमने इसको कवर किया था। माय डियर अगर मैं फास्ट चलूंगा तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछेंगे सर कि बाकी वाले ऑप्शंस का मीनिंग भी बताओ, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द वर्ड इज रिफ्यूट, ये दोस्तों हमने कवर किया था, खंडन करना, नकारना, डिनाई वाले केस के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पास में फिर राइट ऑप्शन बचता है डिस्प्रूव। रिलायबिलिटी तो होता है विश्वसनीयता, डिसेंट मतलब होता है असहमत होना, मिसोनिज्म मतलब होता है किसी नएपन को लेकर के क्या करना, घृणा करना। चलते हैं दोस्तों आगे 28 की ओर। ए माइनर रॉन्ग डूइंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रॉन्ग डूइंग गलत काम, लेकिन आगे बोल रहा है माइनर, मतलब कि कोई भी छोटी सी भूल। ऑप्शंस आर फॉल्ट, डिसअग्री, प्रोबिटी एंड मिसडेमेनर। ऑप्शंस आर फॉल्ट, डिसअग्री, प्रोबिटी एंड मिसडेमेनर। दोस्तों ये वर्ड हमने जो है वन वर्ड्स के अंदर कवर किया था। ए माइनर रॉन्ग डूइंग मतलब कि कोई छोटी सी भूल, छोटी सी भूल। तो इसका मीनिंग दोस्तों कौन सा बनेगा फिर? मिसडेमेनर, क्योंकि मैंने शायद से मेरे ख्याल से डेमेनर वर्ड का जो है क्लास में मीनिंग समझाया था, मीनिंग इसका बिहेवियर के सेंस में था। बाकी वाले जो भी जो हैं ऑप्शंस वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली 28 का फोर्थ ऑप्शन ही हो पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले की ओर, 29। डोंट वरी दोस्तों, हम एकदम टाइम पर चल रहे हैं। 40 क्वेश्चंस का पेपर है, टेस्ट है अपना लाइव वाला, आराम से अपने इजीली कवर होंगे। सो 29th, इंसेप्शन। इंसेप्शन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द ऑप्शंस आर डिसअफर्म, ट्रुथफुलनेस, कमेंट्स एंड डिनाई। टाइम अप दोस्तों। आई रिपीट द ऑप्शंस, डिसअफर्म, ट्रुथफुलनेस, comments and deny. This the word is inception दोस्तों, and ये हमने पढ़ा था कहां पर? पहल, शुरुआत उस वाले केस के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग अपना फिर राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा बना? comments। बाकी deny तो खंडन करना, truthfulness हमने पढ़ा था veracity, reality के अंदर, disaffirm वाला जो है वो। चलते हैं दोस्तों अगले की ओर, 29 का सबका आंसर राइट है, थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, कमेंट्स, प्रारंभ या फिर शुरुआत। एग्जैक्टली दोस्तों, चलते हैं हम अगले की ओर। नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे है, सेलिंग इन द सेम बोट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेलिंग इन द सेम बोट, ऑप्शंस आर कंक्लूड, रिबट, सेम सिचुएशन एंड मिसोलॉजी। आई रिपीट, कंक्लूड, रिबट, सेम सिचुएशन एंड मिसोलॉजी। चलिए दोस्तों, सेलिंग इन द सेम बोट हमने कवर किया था इस वीक के अंदर, idioms एंड phrases के कलेक्शन के अंदर, जहां पर इस सेलिंग इन द सेम बोट का पूरे का मीनिंग था एक समान मुश्किल परिस्थिति का शिकार होना। जो मेरी प्रॉब्लम है, अगले की प्रॉब्लम भी सेम है। जहां मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन,
यानी कि एक समान कठिन परिस्थिति में होना। बिल्कुल सबने इसका राइट आंसर दिया है, सेम सिचुएशन। चलते हैं दोस्तों आगे। यस, सबका आंसर राइट है, समान स्थिति में होना, समान कठिन स्थिति में होना। बिल्कुल सी करो आंख मीच के, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलते हैं आगे 31 की ओर। हेटर ऑफ बुक्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। पुस्तकों से घृणा करने वाला, ऑप्शंस आर मिसोगैमिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसो बिब्लिक एंड मिसो बुक्स। मिसोगैमिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसो बिब्लिक एंड मिसो बुक्स। क्वेश्चन है हेटर ऑफ बुक्स, पुस्तकों से घृणा करने वाला, पुस्तकों से, किताबों से नफरत करने वाला। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। आंसर आना शुरू हो चुके हैं 31 क्वेश्चन का दोस्तों। एक्चुअली में थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। मिसो का मिस था हेट, बिबली से बना, बुक से बना बिबली, और लास्ट में आईसी लगा दिया, मतलब कि पर्सन के बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पुस्तकों से घृणा करने वाला। ये वर्ड कोई एक्चुअली में है ही नहीं, ये सिर्फ आपको चकमा देने के लिए मैंने ये वर्ड फोर्थ ऑप्शन में डाला था। इसलिए मिसैंथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला, मिसोगैमिस्ट, गैमी, गैमी मतलब शादी से घृणा करने वाला। हम मूव करते हैं दोस्तों अगले की ओर। 31 में थर्ड ऑप्शन ही इसका आंसर है राइट। चलते हैं आगे 32 की ओर। ब्रेक द आइस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। द ऑप्शंस आर एकॉर्ड, स्प्रेड लाइक फायर, स्टार्ट टॉकिंग एंड फोर्थ ऑप्शन कंक्लूड। एकॉर्ड, स्प्रेड लाइक फायर, आग की तरह फैलना, स्टार्ट टॉकिंग या फिर कंक्लूड। चलते हैं बिल्कुल दोस्तों टाइम अप। बिल्कुल आप कंफ्यूज करने के लिए ही आपको मैंने वो फोर्थ ऑप्शन दिया था। हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ चुके हैं, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। यस, ब्रेक द आइस दोस्तों हमने कवर किया था idioms एंड phrases के अंदर, जहां पर इसका मैंने लिखवाया था टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू करना, चुप्पी खत्म करना, चुप्पी तोड़ना और बातचीत शुरू करना। टू स्टार्ट टॉकिंग सिर्फ थोड़ा सा दिया है ताकि मीनिंग समझ में आ जाए। एग्जैक्ट उसकी लाइन मेरे ख्याल से लिखवाई थी आपको मैंने, टू स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत शुरू करना। एकॉर्ड तो सहमति था, स्प्रेड लाइक फायर का मतलब होता था रैपिडली, यानी बहुत तेजी से, जंगल की आग की तरह। कंक्लूड हमने कवर किया था एंटोनिम सिनोनिम दोनों के अंदर में, अंत है ना। चलते हैं दोस्तों आगे 32 का, बिना किसी कंफ्यूजन के थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आराम से कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मूव करता हूं मैं 33 की ओर। द वर्ड इज डिसेंट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। डिफर, मिसैंथ्रोपिस्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल, मिसोलॉजिस्ट। एक ऑप्शन छूट गया अपना, बिल्कुल लॉक कर दिया है। डिसेंट, डिफर, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसोलॉजिस्ट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल आर द ऑप्शंस। टाइम अप दोस्तों। डिसेंट हमने कवर किया था असहमत होने वाले के अंदर, जहां पर मैंने आपको तीन तीन वर्ड के पेयर लिखवाए थे, असेंट, एक्सेंट, सॉरी ओके। तो डिसेंट हमने दोस्तों कवर किया था डिसअग्री वाले केस के अंदर, तो इसका उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, डिफर। एग्जैक्टली, मिसैंथ्रोपिस्ट, हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता से घृणा करने वाला। मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ लर्निंग, सीखने से घृणा करने वाला। कॉन्ट्रोवर्शियल आई थिंक हमने कल ही कवर किया था, विवादास्पद। एग्जैक्टली दोस्तों 33 में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसअग्री, डिसेंट, डिफर, एग्जैक्टली माय डियर, सही चल रहे हो एकदम। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा बंधु, 33 का फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। मैं मूव करता हूं अगले की ओर। आया, आया, अब तो आया। एंटोनिम ऑफ ऑडेशियस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर एंटोनिम्स तो आए नहीं इस बार अपने, तो वो ये लीजिए आ गए। विलोम शब्द पूछ रहा है ऑडेशियस का। ऑप्शंस आर इंड्यूस, डिस्पैरेज, क्रेवन एंड डिस्प्यूटेबल। इंड्यूस, डिस्पैरेज, क्रेवन एंड डिस्प्यूटेबल। अब यहां कहानी क्या है दोस्तों, यहां कहानी है कि भाई जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग मालूम चले, तभी तो उसका एंटोनिम टिक कर पाओगे।
34 का ऑप्शन आ चुका है, 34 का व्यूअर्स बोल रहे हैं कि सर इसका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। तो भाई ऑडेशियस का मीनिंग हमने कहां कवर किया था, ये हमने कवर किया था बहादुर, वीर के सेंस के अंदर। जहां पर इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका एंटोनिम होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कौन सा, डरपो, कावर्ड, टिमिड, क्रेवन, वहां पर हमने इसको कवर किया था। सो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन की। ये हमने रिसेंटली कवर किया था जहां पर एंटोनिम सिनोनिम दोनों लिखवाए थे, बलवान इसका नहीं होगा माय डियर। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट की ओर। 35 एंटोनिम ऑफ मौन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द ऑप्शंस आर फ्रॉलिक, टिमिड, इररेफ्रेजेबल एंड वेल। आई थिंक ये वर्ड हमने कल ही कवर दोस्तों किया था, फ्रॉलिक, टिमिड, इररेफ्रेजेबल एंड वेल। दोस्तों जो क्वेश्चन दे रहा है मोन, एंटोनिम पूछ रहा है फोर्थ ऑप्शन, गलती से भी टिक मत कर लेना क्योंकि वो तो इसका सिनोनिम है, विलाप करना, शोक मनाना, इसका मोन वर्ड का मीनिंग लिखवाया था। तो इसका एंटोनिम दोस्तों पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम इसका कौन सा दोस्तों बनेगा, प्रसन्न, खुशियां मनाना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन इसका। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन टिक किया है वो जल्दबाजी में जो है गलती कर गए। अरे एंटोनिम पूछ रहा है बंधु, आपने फोर्थ ऑप्शन टिक कर दिया मतलब कि आपने तो उसका सिनोनिम टिक कर दिया। पूछ रहा है एंटोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम पूछ रहा है अपने को मोन का, मोन का सिनोनिम पूछ रहा है तो होता फिर वेल, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, सेम मीनिंग वाला वर्ड हो गया। हमको पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो 35 का फर्स्ट ऑप्शन बिना किसी कंफ्यूजन के शोक मनाना एंड इसका खुशी मनाना, एग्जैक्टली थोड़ा सा फंस गए। चलते हैं आगे 36 की ओर, एंड इन फियास्को, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रिगेरियस, स्लैकन, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड फेलियर। ऑप्शंस आर ग्रिगेरियस, स्लैकन, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड फेलियर। आई थिंक वी कवर्ड दिस यस्टरडे ओनली, शायद हमने जो है वो कल ही इसको कवर किया था। मैंने चकमा दे दिया लेकिन आपने चकमा ले क्यों लिया, पहली बात तो ये भी है। चलिए एंड इन फियास्को दोस्तों ये हमने शायद कल ही किया, कवर किया था, और इसका मीनिंग क्या था, ये हमने कवर किया था idioms and phrases के अंदर। यस द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज पूर्ण असफलता, जहां पर अपने को बहुत बड़ी नाकामयाबी का सामना करना पड़ा हो। 36 क्या होगा दोस्तों, यस फेलियर लिखवाया था जब पढ़ाने के टाइम पर, वहां पर मैंने बोला था घोर पराजय, घोर असफलता, बिल्कुल इसका फोर्थ ऑप्शन होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। क्यों, क्योंकि फियास्को का दोस्तों मतलब ही क्या होता है, असफलता, इसलिए अटर फेलियर, दैट्स वेरी नाइस। कल का कुछ भी ध्यान नहीं क्योंकि आपने समय नहीं निकाला होगा पढ़ने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे 37 की ओर, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रिगेरियस हमने कवर किया था, सामाजिक, झुंड में रहने वाले, है ना। चलते हैं दोस्तों आगे 37 की ओर, सिनोनिम ऑफ मॉलिफाई पूछा जा रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द ऑप्शंस आर प्लेकेट, प्राइवेटली, लेक्सिकोग्राफी एंड टिमोरस। प्लेकेट, प्राइवेटली, लेक्सिकोग्राफी एंड टिमोरस। दोस्तों ये वर्ड हमने पढ़ा था मॉलिफाई, सूद, पैसिफाई, ट्रैंक्विलाइज, प्लेकेट, यानी कि इसका मॉलिफाई का मीनिंग था शांत करना, शांत करना, तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम इसका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि इसका सेम मीनिंग देता है पैसिफाई, पैसिफिक, सूद, ट्रैंक्विलाइज, आई नो, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर बनेगा। प्राइवेटली तो होगा नहीं, लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी वाले के अंदर हमने पढ़ा था, डिक्शनरी बनाना, शब्दकोश का संकलन करना। टिमोरस भी हमने कवर किया था डरपोक के अंदर, एक सेकेंड मैं उसको टिक करना भूल गया। चलते हैं आगे 38 की ओर, द क्वेश्चन इज शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाइन का हिंदी अनुवाद दोस्तों, शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर, लोगों को शिफ्ट करना, कहां से करना, फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर यानी कि खतरे के इस जगह से, ऐसी कोई खतरे के स्थान से शिफ्ट करना, अब कहां करना, टू ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर लोगों को खतरे के स्थान से शिफ्ट करना। एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट चल रहा है क्या ये? हाँ जी टेस्ट चल रहा है और सिर्फ 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, धन्यवाद आपका। चलते हैं आगे। शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस, लोगों को खतरे के स्थान से बाहर निकालकर उनको एक सेफ प्लेस पर पहुंचाना, ये हमने कवर किया था वन वर्ड्स के अंदर। एंड ये सबका आंसर राइट है। इवैक्यूएट के अंदर हमने ये कवर किया था वन वर्ड्स में, जहां पर मैंने आपको इसकी नाउन फॉर्म भी लिखवाई थी, इवैक्यूएशन, EVACUATION। एग्जैक्टली चलते हैं दोस्तों आगे, 39 की ओर बढ़ता हूं मैं। इररेसिस्टिबल हैबिट ऑफ स्टीलिंग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर एसाइलम, रिक्यूपरेट, शॉपलिफ्टिंग, क्लेप्टोमेनिया। शॉपलिफ्टिंग वर्ड आप तक, आप लोगों को अभी तक नहीं करवाया है मैंने, कोई बात नहीं, नियर फ्यूचर में हम करेंगे। ये हमने कल ही दोस्तों शायद से कवर किया था, एसाइलम, रिक्यूपरेट, शॉपलिफ्टिंग एंड क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की लत, चोरी करने की आदत, कहां पर दोस्तों कवर किया था, क्लेप्टोमेनिया में। और इसी के लास्ट में अगर मैं सी लगा देता हूं तो फिर वो बन जाएगा व्यक्ति, कि ऐसा पर्सन जो चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाता, ही विल बी कॉल्ड क्लेप्टोमेनियक, MANIAC। एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे। ये बंधु एक और अभी मेरे को मॉर्निंग कर रहे हैं। आज का लास्ट सवाल, ऑपोजिट ऑफ डिस्पोट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शंस आर क्लोज्ड डोर्स, डिस्प्यूटेबल, प्रोवोक एंड ग्रीफ। क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे, डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, विवादपूर्ण, प्रोवोक, भड़काना। लेकिन इसका आंसर पूछ रहा है सॉरी ऑपोजिट के अंदर। डिस्पोट दोस्तों हमने किया था खुश, प्रसन्न चित्त। ऑप्शन इसका पूछ रहा है ऑपोजिट में, तो इसका राइट दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, दुख, बिल्कुल। सो दोस्तों कैसी रही आज की वोकैब का लाइव टेस्ट। आई होप काफी लोगों को जो है इंप्रूवमेंट मिला होगा, काफी लोगों को लाइव टेस्ट देने में मजा भी आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शाम को मिलते हैं ग्रामर के टेस्ट में, वहां पर भी लाइव चलेगा, क्वेश्चंस दोनों होंगे, फिलअप वाले भी होंगे, एरर वाले भी होंगे, ठीक है। तो फिर अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, शाम को मिलता हूँ 6 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप and never miss another update. Download e-Utkarsh app from Google Play Store. e-Utkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download e-Utkarsh app now.